हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सैमसंग के लेटेस्ट अपकमिंग स्मार्टफोन सैमसंग गैलेक्सी M51 के बारे में। जैसा कि आप जानते ही हैं, सैमसंग की एम सीरीज़ में आपको बहुत ही बेटर स्मार्टफोन्स देखने को मिलते हैं। इसका भी रिसेंटली एक स्मार्टफोन लॉन्च किया गया था, सैमसंग गैलेक्सी M31। उसमें भी आपको बहुत ही तगड़ी स्पेसिफिकेशंस देखने को मिल जाती है। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इस स्मार्टफोन की सभी स्पेसिफिकेशंस को लेकर और क्या कुछ इसमें आपको देखने को मिल जाएगा। सो गाइज, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी ही लेटेस्ट टेक वीडियोस के लिए। सो गाइज, इस स्मार्टफोन की डिस्प्ले की बात करें तो यहाँ पर आपको 6.5 इंचेस की फुल एचडी प्लस रेजोल्यूशन के साथ एक सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। इसी के साथ इसमें आपको देखने को मिलेगा टॉप लेफ्ट कॉर्नर में एक पंच होल डिजाइन सेल्फी कैमरा, जबकि अगर हम बात करें सैमसंग गैलेक्सी M31S की तो वहाँ पर आपको सेंटर में पंच होल सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है। सो गाइज, डिस्प्ले वाइज यहाँ पर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, एक बहुत ही स्मूथ एक्सपीरियंस यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। बात करें इसकी बैक साइड को लेकर तो यहाँ पर आपको बहुत ही सिमिलर डिज़ाइन देखने को मिल जाएगा सैमसंग गैलेक्सी M31S के जैसा ही। इसमें आपको जो कैमरा सेटअप है वो भी बिल्कुल सेम देखने को मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर भी आपको देखने को मिलने वाला है 64 मेगापिक्सल के प्राइमरी सेंसर के साथ क्वाड कैमरा सेटअप, जिसमें आपको 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस देखने को मिलेगा, 5 मेगापिक्सल का मैक्रो एंड 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर। सो गाइज, कैमरा वाइज भी यहाँ पर आपको सेम क्वालिटी देखने को मिल जाएगी सैमसंग गैलेक्सी M31S के जैसी ही। इसी के साथ बात करें अगर हम इसके मेन सेलिंग पॉइंट को लेकर तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा 7000 mAh की एक बहुत ही बिगर बैटरी, जो कि इसका एक हाईलाइट पॉइंट रहने वाली है। इस स्मार्टफोन में आपको बहुत ही बिगर बैटरी देखने को मिल जाएगी, जो कि अब तक बहुत ही कम स्मार्टफोन्स में देखने को मिलती है, जिसमें आपको 25 वॉट का फास्ट चार्जर सपोर्ट भी देखने को मिल जाएगा। सो गाइज, इसी के साथ बात करें इसके प्रोसेसर को लेकर तो यहाँ पर आपको बहुत ही बेटर प्रोसेसर तो देखने को नहीं मिलने वाला है, क्योंकि यहाँ पर आपको एक ओल्ड चिपसेट के साथ ये स्मार्टफोन देखने को मिलेगा। इसमें आपको स्नैपड्रैगन 675 का चिपसेट देखने को मिल जाता है, लेकिन गाइज इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको काफ़ी ठीक ठाक परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएगी। इसी के साथ इसमें आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर का सपोर्ट देखने को मिलेगा NFC एंड 3.5 mm हेडफोन जैक के साथ। एंड्रॉयड 10 के साथ ये स्मार्टफोन आने वाला है, जिसमें आपको One UI 2.0 का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। बात करें इसकी प्राइसिंग को लेकर तो इसमें आपको जो बेस वेरिएंट देखने को मिलेगा वो इंडियन मार्केट में आपको देखने को मिल सकता है 20,000 के अराउंड। और गाइज, इसकी लॉन्च डेट की बात करें तो ये स्मार्टफोन आपको नेक्स्ट मंथ तक ऑफिशियली देखने को मिल सकता है। सो गाइज, क्योंकि ये स्मार्टफोन Geekbench 3C सर्टिफिकेशन पर लिस्टेड हो चुका है और इसी के साथ FCC सर्टिफिकेशन पर भी इस स्मार्टफोन को स्पॉट किया गया है। सो गाइज, डेफिनेटली ये स्मार्टफोन बहुत ही जल्द आपको देखने को मिल जाएगा। सो गाइज, आप हमें कमेंट कर सकते हैं कि आपको स्मार्टफोन कैसा लगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और इसी तरह की किसी भी स्मार्टफोन और टेक्निकल अपडेट से जुड़ी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें।